बड़े दिनों शरीर गर्मी पड़ी बेटा, ये लाइटें चला देना। एक दो दाल चने मखनी दाल जी तो असला चल रहा है उसमें से। फिर अगला सा लगा तरबूज रस। ब्लॉग बहुत लोगों ने पसंद किया, जो उस ब्लॉग में शेख खुरम है पहले बीमार था उसका मतलब जी तो अस्सलाम वालेकुम। क्या चाल है टिकन ने? बड़े दिनों के बाद लोग के भी आया। गर्मी बहुत है, सारा दिन बहुत गर्मी पड़ती है, सारा दिन में सो जाता हूँ, शाम को उठता हूँ। बहुत ही जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। आपके इलाके में कैसे गर्मी पड़ रही है आप भी मुझे बताना। तो आज का ब्लॉग क्या है मैं बताता हूँ आपको, सब्र करें, मुझे खुद भूख लगी है, आपको बताता हूँ। आप सुनाए आपकी गर्मी कैसे चल रही है इलाके में? बारिश हो रही है हमारे कुछ इलाकों में, कह रहे हैं बारिश हो रही है, कुछ में नहीं हुई है। दिन गर्मी लगी, बहुत शरीर गर्मी पड़ रही है। खाई बेटा, ये लाइटें चला देना। एक तो अभी मैं खाना खाने लगा हूँ। तो आज खाने में क्या है मैं आपको बताता हूँ। मेरा खाना छाना आ गया, फिर आपको बताता हूँ क्या है आज भी खाने में। ये है ना प्याज, ये है दाल चने मखनी दाल, साथ खीरा शीरा और साथ है तंदूर की रोटियाँ। मैं इसको ऐसे तोड़ के आपको बताता हूँ। ये मैं आपको आलू गंडे के साथ, आलू गंडे नहीं सॉरी प्याज गंडा, सारा दाल जी तो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है ठीक हो? लोग मेरा चल रहा है उसमें से। फिर अगला खाना आ गया, आज है चिकन आपको मेरा कैसा लगा तरबूज रस? 20% बढ़ा तरबूज में टीका लगाया कि नहीं? देखे हम मिल रहे हैं, मैं खा रहा हूँ, ये नाश्ता भी है, दोपहर का लंच भी मिल रहा है। लेकिन वो अरेंजमेंट छोटा सा किचन लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं ताकि मैं आप और अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊं। मेरे ब्लॉग अच्छे भी लगते हैं कि नहीं? लाहौरा ब्लॉग बहुत लोगों ने पसंद किया, काफ़ी लोगों ने उसमें
बताया कि जनाब हमें ब्लॉक बहुत अच्छा लगा, आप लोग पहुँच जाए पिंडी जाए। बड़े साहब को खींचा भी कहते बढ़वा देंगे, मैं एंटर बोलना होगा जी बस। जो उस ब्लॉग में शेख खुरम है उसका टांग खराब हो जाएगी, उसमें ठीक थी। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि आपने कहा शेख खुरम का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वो तो ठीक है भाई, वो ठीक है, हो गया था पहले बीमार था, कम कमेंगे आपने नोट किया होगा, वो आस्ता आस्ता चलता है, ठीक है ना। इसकी उसकी टांग खराब थी, उसकी कपट से कई ये मैं खा रहा हूँ फिर ये है मसाला कढ़ाई। और रही बात हमारे नुकसान के साथ